हेलो गाइस, दिस इज वंशर भैया, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले नर्वस टिश्यू की। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है ऑल ओवर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब लास्ट टिश्यू के जो जैसे एनिमल टिश्यू के चार पार्ट थे, लास्ट पार्ट इस पर नर्वस टिश्यू, उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में बात करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की, हमारा कहाँ का इसमें लोकेटेड है। ठीक है, नर्वस टिश्यू की लोकेशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले लोकेशन इसकी ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये हमारा ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है हमारा, और हमारे नर्व्स में होता है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो कंसिस्ट ऑफ अ न्यूरॉन्स कंटेनिंग ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म। ये हमारा न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, वो न्यूरॉन्स जो कंटेन करते हैं हमारा ग्रैन्यूल्स विद साइटोप्लाज्म एंड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई। इसमें एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई विद, इसके साथ साथ डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ये उसके स्ट्रक्चर में आती है बात। अगर इसके फंक्शन की बात कर ले तो इट कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। तो ये हमारा क्या करता है, बॉडी में परफॉर्मिंग जितनी भी एक्टिविटीज है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स एंड टू स्टिमुलाई अदर टिश्यू फॉर दी एक्टिविटी। इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है एक पार्ट से अदर बॉडी पार्ट से टिश्यू को, मतलब दे देता है फॉर दी अदर एक्टिविटीज की वो अपनी होने वाली और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ठीक है, ये इसका फंक्शन था। अब अगर बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये इसका डायग्राम है नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या बात आती है, द न्यूरॉन्स हैज अ लार्ज सेंट्रल बॉडी। इसकी क्या है, हमारी पूरी लार्ज सेंट्रल बॉडी, जैसे कि आप देख रहे हो उसमें पूरी सेंट्रल बॉडी है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल बॉडी और साइटोन एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लाई हैं टू प्रोटोप्लाज्मिक फंक्शन। दो प्रोटोप्लाज्मिक फंक्शन भी होते हैं इसके साथ साथ। ठीक है, ये सेंट्रल बॉडी, अभी इसको भी डिस्क्राइब करते हैं। तो पहला इसका फंक्शन क्या है, द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन्स दैट कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल। सेल से जो न्यूरॉन हमारे इम्पल्सिस लेता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। तो एक्सॉन का क्या फंक्शन है, एक्सॉन का मतलब जो हमारे सेल से जो न्यूरॉन्स हमारे सेल से इम्पल्सिस लेते हैं वो को क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सॉन। ठीक है, और फिर इन्हीं एक्सॉन से, ठीक है, तो इन्हीं एक्सॉन से जो हमारे इम्पल्सिस कैरी करते हैं, डेट कैरीज इम्पल्सिस टू द सेल बॉडी, और उसी सेल बॉडी से जो हमारे इम्पल्सिस कलेक्ट कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो ये ऊपर वाली पोर्शन को बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी हमारे क्या क्या कंक्लूड करती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई, जिसको हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब क्लियरली विजिबल प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, दूसरा इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या, नेसल ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। दूसरा रिच इन डीएनए, नेसल ग्रैन्यूल्स विद रिच इन डीएनए, सॉरी आरएनए, आरएनए की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। तो साइटोप्लाज्म में नेसल ग्रैन्यूल्स रिच इन आरएनए। ठीक है, और इसके सिंगल स्टेम मतलब जहां से हमारी ये डेंड्राइट्स की ब्रांच स्टार्ट होती है उसको बोलेंगे हम डेंड्रॉन्स, और जो ब्रांचिंग फॉर्म जहां जाके वो डिवाइड हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस पूरी बॉडी को पोर्शन को बोलते हैं हम एक्सॉन। अब एक्सॉन में हमारी क्या क्या चीजें होती हैं, एक्सॉन की जो बाहर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी लेयर होती है न्यूरोलीमा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमारी माइलिन शीट होती है अपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में क्या होती है हमारी माइलिन शीट, इंसुलेट्स एक्सॉन एंड स्पीड अप ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। तो हमारी इसमें माइलिन शीथ का क्या रोल होता है, जो अपर वाले पोर्शन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है हमारे एक्सॉन में, इंसुलेट स्पीड जो हमारी इम्पल्सिस होती हैं उनको स्पीड अप करती है। मतलब एकदम से अगर हमने कोई भी चीज विजिबल करी या हमने कोई भी चीज सुनी तो उसको उस इम्पल्स को एकदम से जनरेट करना वहां पे स्पीड है, उस इम्पल्स को एकदम से मतलब विद इन अ पर सेकंड और पर मिनिमम सेकंड में एकदम से जनरेट करना, एकदम स्पीड अप ऑफ द ट्रांसमिशन, उस इम्पल्स को एकदम से ट्रांसमिट करने का प्रोसेस करती है हमारी माइलिन शीट, जो कि अपर वाले पोर्शन में एक्सॉन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये आपको दिखा रखा है डायरेक्शन इन विच द इम्पल्सिस ट्रांसमिशन। तो इस तरह से हमारा डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। तो जो माइलिन शीट का वर्क है उस वाले ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस को ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर थोड़ा सा और नीचे आते तो मिलते हैं नोड ऑफ रेनवे। यहाँ पर हमारे क्या होता है, नोड ऑफ रेनवे और वेयर द माइलिन शीट इज एब्सेंट। नीचे तो कोई फंक्शन माइलिन शीट का है नहीं, क्योंकि वो वहां पर तो हमारे जो इम्पल्सिस है वो कैरी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी नोड ऑफ रेनवेयर पे हमारी माइलिन शीट जो है एब्सेंट होती है। ठीक है, अब इसी थोड़ा सा नोड ऑफ रेनवेयर के नीचे आते हैं जहाँ पर हमारा ब्रांचिंग और सारा रूट रूट फॉर्म होती है। ठीक है,
तो उस वाले में क्या बोला है, टर्मिनल्स ऑफ डेंड्राइट, डेंड्राइट्स का लास्ट फ्रॉम, जिसको बोलते हैं टर्मिनल्स ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इस पूरी बॉडी को क्या बोलते हैं, एक्सॉन। अपर बॉडी कॉल्ड सेल बॉडी। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को, जिसको आप मोटर नर्व भी बोल सकते हैं। तो आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइकिंग एंड कमेंट विद शेयर अस। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू ऑल लाइक दिस, थैंक यू।